हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, विल डिस्कस टुडे द लेक्चर थर्ड ऑफ द चैप्टर मोशन. इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस द मोशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड वी हैव डिस्कस द थ्री टर्म्स दैट व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन. विल डिस्कस टुडे द टाइप्स ऑफ मोशंस. द मोशंस दे आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. And under the headings, the uniform motion and non-uniform motion will keep discuss कि speed है वो दो तरह की है, uniform speed है और non-uniform speed है. Velocity दो तरह का है, uniform velocity है, non-uniform velocity है. So we'll discuss today the types of motion. Motion, it is of two types, uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion है, the body in which during the motion, when the body is in the motion, the body covers equal distances in equal intervals of time, वो है uniform motion. इसका हम एग्जाम्पल दें, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इट कवर्स द इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन. बट क्या डेली लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ियां और अर्थ की सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम और करने के लिए वी नीड ए अनबैलेंस्ड फोर्स. और फोर्स अगर अनबैलेंस्ड होगा तो कोई भी मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी. तो यूनिफॉर्म मोशन को करने के लिए वी नीड ए बैलेंस्ड फोर्स. दूसरा मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है द मोशन इन विच द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. कभी एक सेकंड के अंदर बॉडी कवर कर रही है 5 मीटर का डिस्टेंस, कभी एक सेकंड के अंदर बॉडी कवर कर रही है 10 मीटर का डिस्टेंस, कभी एक सेकंड के अंदर बॉडी कवर कर रही है 2 मीटर का डिस्टेंस. ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. द ड्राइविंग ऑफ कार इन द डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो दो तरह का मोशन हो गया है, एक यूनिफॉर्म मोशन है जो कि डेली लाइफ में जनरली पॉसिबल नहीं है. हाँ, द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एक यूनिफॉर्म मोशन है, द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ वो एक यूनिफॉर्म मोशन है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन है द ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स इन द डेली लाइफ. नाउ यू सी ऑन द बोर्ड द डेफिनेशंस. ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है. ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी. और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड. दिस इज द ब्रेन मैप ऑफ द स्पीड. इसके अंदर एक फ्लो चार्ट होगा जो आपको स्पीड के बारे में सब कुछ बताएगा. स्पीड क्या है? आई एम ड्राइविंग माई कार विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. मतलब ये हुआ कि मैं हर एक घंटे में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो ये मेरा स्पीड है. इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम. दिस इज द डेफिनेशन फॉर द स्पीड. मतलब एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक घंटे के अंदर बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो स्पीड है.
formula for the speed is, it is the distance traveled upon time taken. The unit for the distance is meter, and the unit for the time is meter per second. It can be also meter second inverse, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड. एवरेज स्पीड दो तरह की स्पीड होगी बेटा, एक होगी यूनिफॉर्म स्पीड, एक होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड अपने आप में एक एवरेज स्पीड होगी. अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो देन वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. मैं मेरा होम टाउन है जयपुर है, और जयपुर से करनाल है वो 450 किलोमीटर्स है, तो और मैं यहाँ पर आता हूँ 9 घंटे के अंदर. अब मैं जब करनाल पहुँचता हूँ, आप स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर एट व्हाट स्पीड यू रीच्ड हियर, तो क्या मैं स्टोरीज बताऊँगा कि हाँ मैंने घर से गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने घर से बाहर निकाली, गांव के रोड पे गाड़ी की स्पीड ये थी, फिर बाद में हाईवे आया वहाँ पे गाड़ी की स्पीड ये थी, कुछ ट्रैफिक जाम हुआ वहाँ पे गाड़ी की स्पीड ये होगी, तो क्या मैं स्टोरीज बताऊँगा? नो, मैं स्टोरीज नहीं बताऊँगा, मैं आपको एवरेज स्पीड बताऊँगा. कि मेरा होम टाउन जयपुर फ्रॉम करनाल ये है 450 किलोमीटर्स, और मुझे करनाल आने में टाइम लगता है 9 घंटे का, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर. तो आई विल टेल माय एवरेज स्पीड, दैट इज इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. क्योंकि डेली लाइफ में हम जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. अभी हमने शुरू डिस्कस किया कि मोशन दो तरह का है, यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरह ही स्पीड भी दो तरह का है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड हो गया है इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड है. और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इफ द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ जो मैंने अभी डिस्कस किया यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसके डेफिनेशंस आपके सामने अभी आती हैं. यूनिफॉर्म स्पीड हो गया है कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. मान लो एक बॉडी है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो हर एक घंटे के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर्स का. देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स इन डेली लाइफ, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि आपकी स्कूल बस है आपके शहर में चलती है, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ब्रेन में पॉप स्पीड है. आप इस फ्लो चार्ट के जरिए स्पीड के बारे में सब कुछ जान सकते हैं. ये स्पीड का डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है, ये इसका यूनिट है. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. वी आर कैलकुलेटिंग द एवरेज स्पीड. वी शुड कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. We are not required to calculate the average speed in the case of uniform speed, क्योंकि uniform speed अपने आप में एक average speed है. Okay, so this is all about the details of speed. This is instantaneous speed. Instantaneous speed क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है आपका कि आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के स्पीडोमीटर से एट द इंस्टेंट जो स्पीड देखते हैं वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है.
आप गाड़ी चला रहे हैं और हम गाड़ी चलाते टाइम देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड मेंटेन है 100 किलोमीटर पर आर पे। इसका मतलब है द मोमेंट वी सी ऑन द स्पीडोमीटर, वो ये शो कर रहा है कि अगर आपकी गाड़ी इस स्पीड पे चलती रहेगी तो हर एक घंटे में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वैसे तो स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जब आप एट ए मोमेंट देखते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड थोड़ी देखेंगे कि हाँ अभी मैंने जब गाड़ी को स्टार्ट किया तो इसमें 0 किलोमीटर था और अब जाके उसका 100 किलोमीटर हो गया, क्योंकि एट द इंस्टेंट 0 से 100 नहीं हो सकता। तो यहां पर जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आपको जस्ट उसको देखा जाएगा कि वैल्यू क्या चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल होगी वो 0 मानी जाएगी, क्योंकि आपने 11:01 पे देखा कि 11:01 के ऊपर गाड़ी की स्पीड मेंटेन है 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल कब होगा कि 11:01 पे आपने गाड़ी की स्पीड देखी कुछ और है और 11:10 पे गाड़ी की स्पीड कुछ और है। तो यहाँ पर 10 सेकंड में से 1 सेकंड गया था 9 सेकंड के दौरान गाड़ी की स्पीड क्या थी। तो यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड के अंदर आप 11:01 के ऊपर गाड़ी की स्पीड शो कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टाइम इंटरवल 11:01 माइनस 11:01 तो टाइम इंटरवल हो गया 0। 11:01 पे गाड़ी की स्पीड शो कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि अगर इस स्पीड पे गाड़ी चलती रहेगी तो हर एक घंटे के अंदर द कार विल ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझ आएगा। अगर आप थ्योरी के अंदर ज़्यादा देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उस अंग्रेजी के अंदर कुछ और समझाया हुआ होता है। सिंपल, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते टाइम एट द मोमेंट आप गाड़ी की स्पीड देखते हैं वो आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ओके, विल सी द डिटेल्स। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट मीन्स एट द मोमेंट यू सी, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0। तो एक तरह का है तो ये एवरेज स्पीड कि गाड़ी इस स्पीड पे चलती रहेगी। मान लो गाड़ी की स्पीड शो कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स गाड़ी अगर इस स्पीड पे चलती रहेगी तो वो हर एक घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड इट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा है चेंज के लिए, मतलब गाड़ी जब हमने स्टार्ट करी उसमें 0 किलोमीटर था और एक घंटे के बाद में 100 किलोमीटर हो गया, तो 100 माइनस 0 तो वो हो गया डेल्टा, डेल्टा फॉर चेंज, डेल्टा टी चेंज इन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे डेल्टा की जगह डी एस लिखा है, तो डी एस का मतलब है डी मीन्स अ वेरी स्मॉल, वेरी डी मीन्स अ वेरी स्मॉल, क्योंकि एट इंस्टेंट आप देखते हैं तो बहुत स्मॉल चेंज होता है। तो यहां पर जो टाइम इंटरवल होगा वो आपका 0 हो जाएगा। नाउ ये इलस्ट्रेशन है, ये न्यूमेरिकल्स है बेटा आपको स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। मैं आपको इसका डायग्राम समझा देता हूँ बेटा फ्लो चार्ट से, और वहाँ से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 30 किलोमीटर है, कार चलती है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर
पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या आपके पास में टोटल डिस्टेंस है? है बेटा, यहां से यहां आप गए 30 किलोमीटर और यहां से यहां गए 30 किलोमीटर, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है। जब यहाँ पे तीन क्वांटिटीज के बीच में, तीन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, तो जब दो क्वांटिटी नोन हो तो आप थर्ड को निकाल सकते हो। मतलब आपको ये पता हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस तो पता है बट टाइम पता नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि इसको इस तरह से करें कि यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल हम T1 मान लेते हैं और यहां से यहां तक का हम टाइम है वो T2 मान लेते हैं। दिस इज व्हाट T1 प्लस T2। जब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, तो यू कैन कैलकुलेट द टाइम। वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इससे आप T1 निकालोगे, T2 निकालोगे, यहाँ पे प्लस प्लेस कर दोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट ए आंसर। इसका पैटर्न ये होगा करने का। इसका सॉल्यूशन अभी मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ। देखिए, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो लेट द टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर इज T1। ये आपका जाएगा 3/4 आवर्स, क्योंकि 30/40। लाइकवाइज यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप T2 कैलकुलेट करेंगे, T2 आपका आ गया 3/2 आवर्स, टोटल टाइम आपका आ गया 9/4 आवर्स। एवरेज स्पीड इज दिस जो हमने डिस्कस करी है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है बेटा आपका 60, हमने 60 रखा, टोटल टाइम 9/4, उसको यहाँ रखा, उसको सॉल्व किया, तो यू विल गेट द एवरेज स्पीड 26.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्वेश्चन है, ये एक आपका मास्टर क्वेश्चन है। जनरली रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इस तरह से क्वेश्चंस कराने का कोई मीनिंग नहीं होता है, बट इसलिए करवा दिया है कि एक आपके सैम्पल क्वेश्चन है जो आपका बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इसका मैं फिर आपको एक बार समझा दूं। ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक, एक ट्रैक है और ये ट्रैक है 120 किलोमीटर का, ये हमारा ट्रैक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, वो स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर चलती है विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, बाकी के बचे हुए
बाकी के बचे हुए ये 90 किलोमीटर ट्रेन किस स्पीड पे चले वो बोलता है. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू गेट एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप. फिर से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं. एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलती है. स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर चलती है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. हमें वो बोलता है कि बाकी के 90 किलोमीटर वो किस स्पीड पे चले कि उसका एवरेज स्पीड आ जाए 60 किलोमीटर पर आवर. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. हमारे पास में एवरेज स्पीड है 60 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है. टोटल डिस्टेंस हमारे पास में है 120. टोटल टाइम ये हमारे पास में नहीं है. हम क्या करेंगे कि जब वो 30 किलोमीटर चलती है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर बाय टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ स्पीड विल कैलकुलेट हियर T1 और यहाँ पर 90 किलोमीटर किस स्पीड पे चलती है ये तो कैलकुलेट करना है. तो हम इसको V लिख देते हैं स्पीड को और टाइम को T2 बोल देते हैं. तो T1 कैलकुलेट करो और T2 कैलकुलेट करो. T1 और T2 को यहाँ रख देंगे. आप इसके अंदर जब वैल्यूज रखोगे आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा. किस तरह से मिलेगा सॉल्यूशन आपको मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करता हूँ. इसका पैटर्न ये है. ये जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है वो लिखा हुआ है. तो T2 आ गया हमारा 1 आवर. इसने इसको T2 बोल दिया है और इसको T1 बोल दिया है. तो हमने T2 कैलकुलेट किया वो आ गया है 1 आवर और T1 ये हमारा है यहाँ पर टोटल टाइम आ जाएगा T1 और T2. T1 हम किस तरह से निकालेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल T1 इज इक्वल टू 90 ओवर V. तो T1 है हमारा 90 ओवर V और T2 है हमारा 1 आवर. चाहे यहाँ पे V बोल दो चाहे U बोल दो बात एक ही है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड हमारा 60 है, टोटल डिस्टेंस हमारा 120 है और T1 प्लस T2 की वैल्यू वो हमने T1 प्लस T2 की वैल्यू ये है उसको यहाँ रखा. इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट 90 किलोमीटर पर आवर. अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है. तो किस तरह से करेंगे इसको. 60 120 90 ओवर u. बेटा कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि u और v है वो एक ही बात है यहाँ पर. प्लस 1 इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 90 ओवर u प्लस 1. एलसीएम लिया वो u आया तो 90 प्लस u. तो 60 120 ओवर 90 प्लस यू ओवर यू ये यू ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 60 120 इंटू यू ओवर
90 प्लस यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर लाइक दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इलिस्ट्रेशन. ये दोनों इलिस्ट्रेशन हैं आपको स्पीड के बारे में कॉन्सेप्ट को बताते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर थर्ड टुडे. आप प्रैक्टिस करें, किसी भी तरह के डाउट्स हों तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू.